हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। हैदराबाद में अभी मौसम बिल्कुल बारिश का सुहावना हो रखा है, तो हम लोग चल पड़े हैं आइडियल किचन। आइडियल किचन ये प्रगति नगर में है और ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप फॉन्ड ऑफ हैं टिफ़िन के, यहाँ पे इसको ऐसा ही बोला जाता है, इडली डोसा इन चीज़ों को यहाँ पे टिफ़िन में कंसीडर किया जाता है। बारिश का काफ़ी अच्छा सीज़न था, स्कूल से आने के बाद बहुत टायर्ड ही लग रहा था। उस दिन शांताश्री पहले से ही घर पे आए हुए थे, जीव का भी मूड थोड़ा ऑफ था। साधारणतः इस एज में फ्रेंडशिप बहुत मैटर करता है और उस दिन उसकी अपने फ्रेंड से थोड़ी अनबन हो गई थी, तो वो बहुत अपसेट थी। उसको लाइटर करने के लिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, जियो का मूड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जियो एक नए स्कूल में एडमिशन लिया है, नए स्कूल में उसके पुराने फ्रेंड्स नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है अपने पुराने दोस्तों को वो बहुत मिस करती है और नए दोस्तों से बॉन्डिंग बनने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। तो हम उसको लेके गए यहाँ पे आउटिंग के लिए। उसका मूड बहुत ही ऑफ था, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं हम लोग कर रहे थे उसको लाइटर करने का। इवनिंग तक उसका मूड काफ़ी रिफ़्रेश हो गया था, गरम गरम खाना आ गया। यहाँ पे शांतश्री उसको लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किया। ये मेरा पहला ही विज़िट था आइडियल किचन में। नॉर्थ में जब हम रहते हैं तो डोसा अगर आपको खाना हो तो सागर रत्ना सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। साउथ में मैंने काफ़ी जगह डोसा टेस्ट किया है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकती हूँ। काफ़ी अच्छा था, क्रिस्प सा डोसा था, स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी थी, एक टैंगी सा चटनी उन्होंने अंदर स्प्रेड किया हुआ था। दोनों डोसा के अंदर फीलिंग डिफरेंट थी, मेरा वाला मसाला डोसा था और शांताश्री ने अनियन डोसा ऑर्डर किया था। कंपैरेटिवली मेरा वाला ज़्यादा टेस्टी था और वहाँ पे कई तरीके की चटनियाँ अवेलेबल थी, बट एज़ यूजुअल हमें बहुत पसंद है कोकोनट वाली चटनी, तो हमने सिर्फ वही लिया। उसके बाद मैंने ली फ़िल्टर कॉफ़ी। साउथ में रहते हो तो फ़िल्टर कॉफ़ी का मज़ा कौन नहीं लेना चाहेगा, वो भी बारिश के सीज़न में, ये तो मस्ट हैव है। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड कॉफ़ी के इतने दीवाने नहीं हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कुल्हड़ वाली चाय का। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।